नमस्कार। हर साल की तरह रामनवमी के पावन अवसर पर इस बार भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के मंदिर में रामनवमी के अवसर पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। आपको बता देंगे इस दौरान उन्होंने जो कन्याएं थी उनके पैर धोए, उन्हें पुष्प की माला पहनाई, उसके बाद उन्हें टीका लगा के भोजन ग्रहण करवाया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन छोटी कन्याओं को भेंट भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कन्या पूजन को पूरी तरह से विधि विधान से करने के बाद पूरे देश को रामनवमी का जो अवसर है उसकी शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के इस पावन अवसर पर दो ट्वीट भी किए जिस पर उन्होंने लिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि शक्ति पूजन शक्ति देवी माँ भगवती के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का एक अवसर तो होता है, साथ ही ज्ञान एवं शक्ति ऐश्वर्य यदि की कामनाओं के लिए कन्याओं का पूजन शास्त्र विहित है। साथ ही योगी आदित्यनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नवरात्रि का अनुष्ठान आध्यात्मिक शक्ति संचय के साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का पर्व है। आज नौ देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं का चरण प्रचालन पूजन एवं आरती विधि विधान से संपन्न करने के उपरांत उन्हें भोजन प्रसाद तथा दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। जी हाँ, इसके बाद जो दूसरा ट्वीट किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने पूरी तरह से इस चीज को बताया कि जो रामनवमी का जो अवसर है, जो पर्व मनाया जाता है, इसमें जो कन्या पूजन किया जाता है वो एक तरह से राष्ट्र को जोड़े रखने के लिए एक पर्व है, क्योंकि इसमें जो कन्याएं बुलाई जाती हैं उसमें जो कन्याओं को जाति धर्म देख के नहीं बुलाया जाता, बल्कि इस दिन जो छोटी जो लड़कियां जो कन्या होती हैं उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। काफ़ी लंबे वर्षों से जो है जो इंतजार ही थी, अब 17 तारीख का जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्धारित किया है कि 17 तारीख का 18 तारीख का फैसला आ जाएगा, तो कैसे लग रहा है आपको? देखिए, ये धार्मिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर लोग देखने आते हैं किस प्रकार से राम की लीला थी और इस लीला से वो प्रेरणा लेते हैं कि हमें किस प्रकार से राम जी के आदर्शों पर चलना है। राम जी के आदर्शों को अपना प्रेरणा मानकर के वह लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं और हम ये आयोजन इसीलिए करते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग देखें, एक नई पीढ़ी देखे कि भगवान श्री राम जी के आदर्श क्या थे। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे, चाहे वो अपोजिशन हो, आप दिग्गज नेता हैं, तो उन लोगों को क्या कहें जो अभी भी जो है राम मंदिर को जो है लटकाए जा रहे हैं और उस पर याचिका दायर कर रहे हैं कि अभी भी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्या कहें? देखिए, राम मंदिर जो है वो बहुत से बहुत जल्दी से जल्द बनना चाहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके नेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि राम मंदिर एक लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर राम मंदिर बनाने में अगर इतनी देरी होगी तो लोग देखिए, अटल जी चले गए, उनका यही नारा था मंदिर यहीं बनाएंगे, आडवाणी जी का यही नारा था, अब मोदी जी आ गए हैं, 5 साल निकाल चुके हैं, दूसरी सरकार चल रही है, जनता को इनसे बहुत उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को हम ये देख रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि यूपी में भी सरकार है भाजपा की और केंद्र में सरकार है, तो ये मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द करें। आज स्वामी जी आप ये रामलीला कमेटी में आए हैं तो उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है ये राम मंदिर से लेकर के, राम सेतु से लेकर के, जो हमारी हिंदू धर्म की धरोहर है उसको संरक्षण करने के लिए वो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या कहा उन्होंने आज यहाँ मंच पे? देखिए, सब लोगों का कहना है कि राम हम यहाँ आए हैं, रामलीला के आयोजन में आए हैं और हम समय पर इसकी बात करेंगे और आप मिलिएगा, आइएगा, लोग यही नेता लोग यही कहते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि ये मंदिर का कार्य पूर्ण जल्दी से जल्द हो। मैम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, देखो थिंक सबकी एक मत कोई नहीं होता, सबकी अलग अलग थे, एक समझदार आदमी समझदार वाली बातें करेगा, बेवकूफ़ आदमी तो समझदारी वाली बातें कभी कह ही नहीं सकता, तो जैसा उनमें उनकी जैसी सोच है थिंक है उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि पिछले दिनों में जो हालात देश के हैं, अगर महात्मा गांधी जी देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा रो पड़ेगी। किन्होंने कहा था ये? सोनिया गांधी। बेवकूफ़ है, ये लग रहा है कि देश की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, अगर महात्मा गांधी की आत्मा भी देख रही होगी तो वो रो पड़ेगी। मैम, वो पप्पू की माँ है तो पप्पू जैसी बातें करेगी बस, और कुछ नहीं कर सकती वो। गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ठीक है। वेल, देखो सोच अपनी अलग अलग होती है, आप मैं सब जितने भी हम खड़े हैं सबकी अपनी मेंटेलिटी, हर बंदे का सोचने का तरीका। तो ये भी कह रही है कि बीजेपी की जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार बना के? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, ये जादू की छड़ी तो है नहीं मैम,
जैसे कि अभी केजरीवाल जब आए थे कि भाई ये काम नहीं हुआ वो, देखो हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। एक समझदार आदमी जो एक दिमाग रखता होगा तो उसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। अभी ये जो 300 धारा 370 हटी, 70 हटी या 35 से हटी, तो आप ये मान लो ना, ये तो देखो हमारे आपके घर में कितने मतभेद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब देश की बात आती है तो हमें तो एक साथ में होना चाहिए ना, जबकि वो उसके अंगेज खड़े हैं कि भाई ये जो काम हुआ गलत हुआ। तो हाँ, तो मैं नहीं समझता। अब देखो हमारे देश के फौजी वहाँ मरते हैं, ठीक है ना, तो उनको खुशी होती है। हमारी देश में रह के हम अपने देश के इनकलाब के नारे लगाने में हमें वो होती है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इसको। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरएसएस जो है वो एक संघ है, और संघ का मतलब होता है कि एक समाज को अपने साथ लेकर चलना, और संघ का ये ध्येय होता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आप प्रतिनिधित्व करते हैं और समाज को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम आरएसएस को देखते हैं तो लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो उनका काम है समाज की सेवा करना, या जैसे उनका पहला जो प्रार्थना होता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो जो ये जो ध्येय है वह भी अच्छा है। और आरएसएस से जो भी लोग जुड़े हैं और जुड़ के जो मतलब करते हैं तो सबसे पहले समाज को अपने ऊपर रखते हैं। तो अगर कोई किसी विपक्ष के पार्टी का अगर काम है कि उसको कटाक्ष करने के लिए कोई भी काम करता है, तो इससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ कि सोनिया गांधी जो कह रही है वही सत्य है, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार तानाशाही की सरकार चलाती है। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार अगर तानाशाही की सरकार चलाती तो देश में आज बहुत मतलब इसके लिए दंगे फसाद हो गए होते। और ये लोग जो इतने पहले से मतलब 50-55 साल 60 साल से जो सलाहकार चला रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो उन तानाशाही कहने के लिए तो बहुत कोई कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तानाशाही की। हाँ, ये हो सकता है कि आर्थिक विकास देखा जाए या इकोनॉमिकल देखा जाए तो कुछ अलग हो सकता है या देश कुछ कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि जो पैमाना है या इस सरकार की जो काम करने की क्षमता है या तरीका है उसमें कोई गलती नहीं। यहाँ अगर इस रेशियो से अगर इस देश को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता अगर बीजेपी रखती है या नरेंद्र मोदी जी रखते हैं तो ये देश के लिए अच्छा होगा। मतलब देश की अगर हालत इतनी बेकार होती तो आज लोग एक एक बच्चा तक मतलब भारत के लिए गांधी की जो भी संदेश थे, एक देख लीजिए स्वच्छता के लिए, तो एक एक बच्चा भी आज मतलब ये है कि मतलब हमको अपने देश को स्वच्छ रखना है, कहीं भी अगर किसी को कुछ या कूड़ा मिल जाता है उसको डस्टबिन में ही डालना है। तो ये उनके संदेश को जो मोदी जी अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि देश बहुत बर्बाद हो रहा है सोनिया गांधी की। बीजेपी सरकार अपने आप को सर्वसामी समझती है और वो सिद्धांतों पे नहीं चलती महात्मा गांधी के। अगर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे ये नहीं चलती तो ये परिणाम देखने को नहीं मिलता। और जो खुद को उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए बोल रहे हैं खुद तो ऐसा करते नहीं हैं। अगर ये जमीनी पटल पे अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने वैसा कुछ भी अगर 100% में से 1% भी उनका लेकर महात्मा गांधी से कुछ किया है तो जो भी कोई काम करता है तो उसको ये तो उनको होता ही कि मुझे अपना कहने के लिए हाँ मैं ऐसा हूँ तो कहीं से। बढ़िया है, बढ़िया कदम उठाया है और हमारा ख्याल से उठाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं तो देश के लिए ठीक नहीं है और कश्मीर के लिए लोग तो क्या ही महसूस कर रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। तो बल्कि जो भी कदम उठाया गया है सरकार द्वारा तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। आपको लगता नहीं है कि 90 के दशक में जब वहाँ से जो है एक प्रकार से जो है पंडितों के साथ में हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुआ था, उसके अंतर्गत जो है सभी को भगाया गया था, वो लोग अपने प्रॉपर्टी छोड़ के आए, मंदिरों को तो जब प्रॉपर्टी छोड़ जाए तो उसमें मंदिरों में पूजा भी किसने करनी थी, सब यहाँ पर स्थापित है और देश के विभिन्न शहरों में जो है वो शरणार्थी वाला जीवन जी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद भी कई सरकारें गई वहाँ पर पैसा गया, धारा 370 के अंतर्गत जो है अच्छा खासा जो है फंडिंग जाता था केंद्र से भी, तो क्या तब तत्कालीन सरकारें जो रही हैं उन्होंने कभी जो है मंदिरों की शुद्ध नहीं ली, और अब जो धारा 370 जो है वो हटाई गई है तो उसमें विपक्षी जो है बार बार जो है सरकार को जो है टारगेट करते हैं कि ये जो है वहाँ पे नागरिकों का हनन है, हमको नहीं पूछा, संविधान से जो है हट के काम किया। तो क्या लगता है आपको किस ओर इशारा करती हैं ये विपक्षी पार्टियां जो अभी, क्योंकि सरकार ने जो है एक बहुत बड़ा मजबूत जो है इच्छा शक्ति दिखाई और धारा 370 जो अस्थायी थी उसको हटा दिया जो कैंसर था। तो अब क्या लगता है कौन लोग थे वो जो संरक्षण दे रहे थे, इतना पैसा गया वो केवल जो है
मंदिरों का संरक्षण करना चाहिए था, वो लोग क्यों वहाँ से भगाए गए, उन लोगों का विस्थापन की बात करनी चाहिए थी। और अब ये बात करते हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, क्या जिस समय जो है हिंदुओं को वहाँ से हटाया जा रहा था, ये पंडितों को वहाँ से जो है भगाया जा रहा था, उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय मानवाधिकार कहाँ था? तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? बिल्कुल उस टाइम जो भी हुआ था काफ़ी गलत था, क्योंकि जातिवाद बहुत गलत चीज़ है जो कि शुरू से ही होती आ रही है, हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उस समय काफ़ी पंडित जो कि उनको पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है आसपास, ठीक है, उनको बिना वजह वहाँ से हटाया गया, जिसकी मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं कि वहाँ पे कोई चीज़ें ख़राब थी या कुछ भी, सब कुछ सही था, बढ़िया से रह रहे थे परिवार के साथ अपने, बट वहाँ लोगों को हटाया गया ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ गलत थी। धर्म की राजनीति हो रही थी, धर्म के एक विशेष धर्म के लोगों ने जो उसे धर्म को भगा दिया। जी बिल्कुल वही चीज़ है, बाकी भारत तो आप जानते ही हैं शुरू से कई धर्मों का वो रहा है, यहाँ पे कई धर्म हैं, अलग अलग धर्म है, ठीक है, सनातन संस्कृति है। जी बिल्कुल, और जो भी मतलब वहाँ पे उस टाइम गलत हुआ था, क्योंकि अब पंडित लोग थे, गरीब थे, कुछ ठीक भी थे, जो ठीक थे वो ठीक मतलब निकल गए, अपना अलग उन्होंने कर लिया इंतजाम, उनको डराया धमकाया गया, बंदूक के सामने चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसको तो सभी को तो भागना पड़ेगा। तो वो सरकारों का क्या काम था, वो सरकारें क्या कर रही थी वहाँ पे, एक कम्युनिटी को बिल्कुल जो है वहाँ से सफाया कराया जा रहा था, तो क्या कहेंगे ऐसी जो है सरकारों को, कौन लोग थे वो? ये देखिए, उनका जो ऐसे लोग होते हैं वो मैं तो मेरे ख्याल से ये है कि सरकारी ना ही कहें तो बढ़िया, क्योंकि ये लोग मुझे पता नहीं कैसे आते हैं, बट जो भी ये लोग करते हैं वो उनको मैं सरकार से या धर्म से मैं थोड़ा अलग करता हूँ, क्योंकि उनका अलग धर्म होता है अपना, ठीक है ना, जो कि हमारे भारत का जो है संविधान में जो भी चीज़ें हैं, हमारे भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो लोगों को, हमारा कोई धर्म ऐसा सिखाता नहीं है जो किसी को नुकसान पहुँचाए दूसरी जाति को बोले, क्योंकि धर्म भी हमारी बनाए गए हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, और हम हर धर्म में यही सिखाते हैं कि दूसरों की इज्जत करनी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मुसलमान है या हिंदू है कि ईसाई है, तो हमारे धर्म और संविधान में यही बताया गया है शुरू से कि कोई भी धर्म हो उनकी इज्जत करनी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। बाकी उस टाइम की सरकारें थी जो कि बहुत गलत किया उन्होंने मेरे ख्याल से।